जिसका नाम है फूड प्लैनेट एंड मैनी मोर। तो कैसे हैं आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो आज मैं आ गई एक बहुत ज्यादा यम्मी रेसिपी के साथ। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस क्रीमी पास्ता। अच्छा जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि मैं काफी दिनों से किचन में नहीं गई हूँ। किचन भी मेरे को याद कर रहा है। ठीक है, हम अपने किचन में मिलते हैं अब आपको। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। हमारे पास है चिकन, आप लोग कितनी भी ले सकते हैं, हम लोग को जो है वो पसंद नहीं है पास्ता वगैरह में चिकन। तो सिर्फ मैं आपको मैरिनेशन कैसे होगी चिकन की, इसलिए मैंने ये चिकन ली है और आप लोग को बताने के लिए ही चिकन ली है। ठीक है, इसके अलावा वेजीज में हमारे पास है कैप्सिकम, एक स्मॉल कैप्सिकम है, वन स्मॉल अनियन है, एक ग्रीन चिली है और लहसुन है थोड़ा सा क्रश किया हुआ, और है हरा धनिया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है मैदा। अच्छा जी, ये 2 टेबल स्पून है हमारे पास क्रीम, 1 टेबल स्पून हमारे पास है बटर, और ये 2 से 3 टेबल स्पून हमारे पास है मिल्क। स्पाइसेस में हमारे पास है वाइट पेपर, ओरिगैनो, इसके अलावा चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, कुटी हुई मिर्चें। ओके, अच्छा जी, और ये है काली मिर्चें, सॉल्ट आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और थोड़ा सा जीरा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी तक बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चिकन मैरिनेट करनी पड़ेगी। हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और डालेंगे काली मिर्चें, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बता रही हूँ, बाकी जो ये स्पाइसेस हैं वो आगे भी यूज होंगे, इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही डाल रही हूँ, और है थोड़ा सा जीरा। इसको हम मैरिनेट करके 15 मिनट्स के लिए रख देंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसको 15 मिनट के बाद ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अपनी वेजीज जो है उसको सौते कर देंगे। अनियन ऐड करेंगे, गार्लिक ऐड करेंगे, कैप्सिकम ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड। अच्छा जी, तो ये देखिए हमारी वेजीज जो है वो अच्छे से सौते हो गई हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के साइड पर रख दें। अब हम साथ ही साथ इसी ऑयल में अपनी चिकन जो है वो फ्राई कर लें। अच्छे तरीके से हम लोग जो है चिकन को पका लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो अभी थोड़ी सी क्रीम जो है वो चिकन में ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो थोड़ी सी जो है क्रीम, बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम जो है वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, मैं इसी कढ़ाई में अब क्या करूंगी, अभी मैं ऐड करूंगी मक्खन, बटर। ठीक है, बटर ऐड करूंगी। आज आप लोगों ने बहुत हल्की रखनी है, मैंने कढ़ाई को वॉश इसलिए नहीं किया ताकि टेस्ट अच्छा आए थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके साथ साथ थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा और इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने मिक्सअप करते रहें।
अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे आप मिल्क। अच्छा जी, ये देखिए हम लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर दिया है। मैंने ये इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया था, आप लोग चाहें तो ये चिकन स्प्रेड थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। आप लोग इसमें आराम आराम से दूध ऐड करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके की हो जाएगी। अब हम इसमें आराम आराम से अपने सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम ये चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, सब ऐड कर देंगे, सिर्फ हरा धनिया को छोड़। अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे अब हम मिक्स। अच्छा जी, ये देखिए हमारी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना पास्ता। पास्ता तो मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स में बताया ही था। अच्छा जी, ये देखिए हमारा पास्ता ये रहा। अब मैं इसको अपने सॉस में ऐड कर दूंगी अच्छी तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि सॉस जो है वो पूरे पास्ता में फिल हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए हम लोगों ने अपने सॉस के अंदर मैक्रोनी या पास्ता जो भी है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लास्ट में इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मैं आपको इसकी असेंबलिंग करके फिर दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग। अच्छा जी, तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने कितनी आसानी से अपना व्हाइट सॉस पास्ता बना लिया है। तो देखिए कितना मजेदार लग रहा है। तो आप लोग भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।